Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to my channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your worthy mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join me there. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So welcome back in another video. So today's topic is neural tissue. We have previous video we discussed about muscular tissue. So now we discuss about neural tissue. So let us start without wasting the time. So first we read what is written in NCERT textbook. After that we elaborate each and everything with easy and simple manner. सो न्यूरोटिशूस मीन्स ये हमारे कहाँ पे पाए जाएंगे, ब्रेन में पाए जाएंगे, ठीक है, जो हमारे न्यूरल से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, वो क्या होती है हमारी न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है हमारी, वो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा है। न्यूरल टिशू एग्जर्ट द ग्रेट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, है ना। जो हमारे न्यूरल टिशू होते हैं वो हमारा ग्रेट कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी पे, अकॉर्डिंग जैसे हमारी बॉडी किसी के लिए रिस्पॉन्स कर रही है, कंडीशन के चेंज होने पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे जैसे हमें स्टिमुलस मिलेगा, हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा, हमारा ब्रेन स्टिमुलस देगा, तो हमारी बॉडी और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी पोजिशन चेंज करेगी। तो वो हमारा पोजिशन चेंज करेगा तो हमारा कंट्रोल कर रहा है, हमारा वो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, बट उसमें पोजीशन में जो मूवमेंट कॉज कराएगा वो हमारी स्केलेटल मसल्स कॉज करवाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारा मास्टर होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू एग्जर्ट द ग्रेट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, है ना। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल, है ना। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम की, जो कि एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। मैंने आपको बताया था न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। द न्यूरोग्लियल सेल, जो यहाँ पे इसमें क्या होंगे, न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, है ना। जो हमारी न्यूरोग्लियल सेल होती हैं ये हमारा ओवर 1/5 होती हैं, सॉरी 50% होती हैं, जो है ना 50% जो होती है हमारी वो न्यूरोग्लियल सेल ही होती है हमारी। उनका फंक्शन क्या होता है, जो न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूंट ऑफ द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, है ना। जो कि हमारी न्यूरोग्लियल सेल होती हैं वो 50% होती हैं, आधे से ज़्यादा होती हैं हमारी न्यूरोग्लियल सेल ब्रेन में, और ये हमारी काम क्या करती हैं, ये हमारे प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं हमारे न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन वन हाफ, न्यूरोग्लियल मेक मोर देन वन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, है ना। जो हमारी न्यूरोग्लियल सेल होंगी वो हमारे न्यूरल टिश्यू में वन हाफ का मतलब हो गया, है ना, 50% ये अपना वॉल्यूम बनाएंगी, इसमें 50% ही पाई जाएंगी हमारी बॉडी में न्यूरल टिश्यू में, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। व्हेन न्यूरॉन इज सुटेबल स्टिमुलस, है ना, जब हमारी न्यूरॉन्स जो होंगे हमारे सुटेबल स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विद सुप्टी ट्रेवल्स अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये हमारा जो होता है, जैसे हमारी बॉडी में हमको कोई स्टिमुलस मिला, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में डेंड्राइट्स होते हैं, एक्जॉन होते हैं, उसके बाद एक्जॉन्स टर्मिनल होते हैं, मैं आपको फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हो गया हमारा सेल बॉडी हो गया, है ना, और ये हमारे जो होंगे डेंड्राइट्स हो गए, ये हमारे क्या होंगे, डेंड्राइट्स हो गए। यहाँ पे हमारा एक्जॉन होता है, है ना, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्जॉन होता है, वहाँ पे सॉन सेल होते हैं, माइलिनेटेड सीड्स जो बनाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्जॉन टर्मिनल होता है, यहाँ से हमारा एक्शन पोटेंशियल आएगा, इम्पल्स आएगी, यहाँ से एक्जॉन टर्मिनल से होती है हमारी, एक्जॉन से होती है हमारी एक्जॉन टर्मिनल पर जाएगी, है ना। यहाँ पर हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, वहाँ पर भी हमारा दूसरे डेंड्राइट से जाती है। ऐसे हमारे बॉडी में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे, बट फिलहाल इसमें इतना नहीं, मैं आने वाली वीडियो पे अच्छे से आपको बताऊंगा जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है।
इसमें क्या बताया गया हमको, व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो इसमें हमको ये बताया गया है जब हमारा न्यूरॉन्स जब हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यानी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या हमारे जनरेट करेंगे, जब हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो स्विफ्टली ट्रेवल्स होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, इसका मतलब होता है बहुत फास्ट, ठीक है। हमारा जब बहुत फास्ट तरीके से हमारा एक्शन पोटेंशियल जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आगे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अराइवल द डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग, जो मैंने आपको बताया जो डेंड्राइट से हमारे एक्शन पोटेंशियल आते हैं सेल बॉडी में, सेल बॉडी से हमारे एक्सॉन जाते हैं, एक्सॉन से हमारे एक्सॉन टर्मिनल में जाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल को हम न्यूरॉन एंडिंग बोलते हैं, जाके हमारे, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसके बाद हमारे फिर दूसरे डेंड्राइट्स में जाते हैं, ऐसे हमारे इम्पल्स जो होती है ट्रांसमिट होती रहती है। अराइवल द डिस्टर्बेंस ऑफ द एट द न्यूरॉन एंडिंग, है ना, जो हमारी न्यूरॉन एंडिंग पे होंगे एक्सॉन टर्मिनल होंगे वहाँ पे हमारे इसका डिस्टर्बेंस आएगा और हमारे एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल्स होते रहेंगे, ठीक है। और आउटपुट जोन, इसी को हम आउटपुट जोन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जोन बोलते हैं। ट्रिगर इवेंट डेट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ऑफ अदर सेल, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रिगर जाए मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएंगे एक्सॉन टर्मिनल में और वो हमारा दूसरे डेंड्राइट को स्टिमुलेट करेगा, उसमें फिर इम्पल्स जाएगा, फिर उसके बाद हमारा जो होगा इम्पल्स हमारे फिर दूसरे एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, ऐसे हमारा इम्पल्स ट्रांसमिट होता रहता है ना। ट्रिगर इवेंट मे कॉज स्टिमुलेशन, यानी वो स्टिमुलेट कर सकता है, यानी वो किसी चीज़ एक्टिविटी को बढ़ा सकता है ना। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिविटी को बढ़ाना, एक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना। और जो होता है इनहिबिशन मतलब एक्टिविटी को डिक्रीज करना, ठीक है। इनहिबिशन जो होता है वो किसी की एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इनहिबिशन जो होता है एक्टिविटी को हमारा वो डिक्रीज करेगा, इनहिबिशन, है ना। वो हमारा जो इम्पल्स हो सकता है एक्साइटेशन हो सकता है, स्टिमुलेशन हो सकता है और इनहिबिशन हो सकता है ना। वो किस टाइप की इम्पल्स हो सकती है, हमारे किसी को स्टिमुलेट भी कर सकती हैं और हमारी इम्पल्स को इनहिबिट भी कर सकती हैं, यानी वो एक्टिविटी को कम भी कर सकती हैं, है ना। तो इसका डिटेल्स चैप्टर में हम 21 में पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स चैप्टर में हम आपको वहाँ पर बताएंगे क्या क्या होता है। तो न्यूरल टिश्यू में क्या होता है, इसमें न्यूरॉन्स होंगे विथ न्यूरोग्लियल सेल होंगी, है ना। मैंने आपको बताया था इसमें जो होंगे डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स जो होते हैं हमारे शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, डेंड्राइट्स को क्या बोलते हैं हम, ये हमारे शॉर्ट फाइबर होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होते हैं हमारे शॉर्ट फाइबर होते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं हमारे शॉर्ट फाइबर होते हैं, एग्जॉन जो होते हैं हमारे लॉन्ग फाइबर होते हैं, लॉन्ग फाइबर होते हैं क्योंकि ये बहुत हमारा लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, इसलिए हम इसको लॉन्ग फाइबर बोलते हैं, है ना। इसमें हमारी जो होती है सेल बॉडी होती है जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, पेरिकेरियन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें सेल बॉडी होती है, है ना। सेल बॉडी में तो न्यूक्लियस, यानी सेल बॉडी में क्या होगा हमारा न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूरॉन्स में हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो सेल बॉडी पे होता है। डेंड्राइट्स जो होते हैं उसको शॉर्ट फाइबर बोलते हैं, है ना। और हमारे इसमें क्या होंगे, न्यूरॉन्स में जो होंगे हमारे न्यूरोग्लियल सेल होंगे, जो कि हमारा अपना 50% बाय वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कर रही थी, है ना, 50% पाई जा रही थी और ये हमारे क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी और प्रोटेक्टेड कर रही थी हमारे न्यूरॉन्स को, है ना। जो हमारे एक्सॉन होते हैं इसके बाद हमारा ये लॉन्ग फाइबर होते हैं, एक्सॉन के बाद हमारा एक्सॉन टर्मिनल आएगा, वहाँ पे हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह होंगे, है ना, सिनेप्टिक वेसिकल्स वगैरह होंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह सब चीज़ मैं आपको अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर पर बताऊँगा अच्छे से, इन डिटेल्स में बताएंगे। इसमें हमारी क्या होती हैं, न्यूरोग्लियल सेल होती हैं जो अपना 50% कंट्रीब्यूशन करती हैं, सेल बॉडी होती है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स जो होते हैं हमारे शॉर्ट फाइबर होते हैं, एक्सॉन जो होते हैं हमारे लॉन्ग फाइबर होते हैं, है ना। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है और हमारे जो डेंड्राइट्स में निसल स्पिंडल्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक आप मेरे से जुड़े रहिए और बने रहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।